हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक मोबाइल को दूसरी मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें, मतलब कैसे उसको चार्ज करें। मान लीजिए आपके एक मोबाइल में बैटरी है, पावर है, एक में नहीं है, एक डिस्चार्ज है, कम बैटरी है और आपको उससे चार्ज करना है। तो एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसको कैसे एक को पावर बैंक बना के दूसरे को चार्ज कर सकते हैं, तो इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, मेरे पास एक MI का फ़ोन है और मेरे पास दूसरा मोबाइल है। अब इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, उसके सबसे पहले आपको एक डाटा केबल चाहिए और एक OTG केबल चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि दोनों मोबाइल आपके चालू हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में डाटा केबल लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में देखिए, हम OTG केबल लगा रहे हैं। MI के फ़ोन में OTG केबल लगा दी हमने और हमको माइक्रोमैक्स का फ़ोन चार्ज करना है। तो सबसे पहले हमने MI के फ़ोन में OTG लगाई और OTG के अंदर हमने एक डाटा केबल लगाई, ठीक है। जैसे ये डाटा केबल लगा दी, अब हम क्या करेंगे, डाटा केबल लगा दी, अब उस हम दूसरे पोर्ट को हम माइक्रोमैक्स में लगा देंगे, राइट। माइक्रोमैक्स में लगा के हम, अब जैसे मैं 60% बैटरी है, ये देखिए अभी एरर नहीं आ रहा। जैसे कि मैं इसको लगाऊंगा, ये देखिए, अब मैं इसको लगाता हूँ। अब मैंने इसके अंदर ये लगा दिया। अब लगाते ही अब देखो, इसमें ये चार्जिंग ऑप्शन शो हो गया। अब मैंने क्या किया है कि MI के फ़ोन को पावर बैंक बना के माइक्रोमैक्स का फ़ोन में चार्ज कर रहा हूँ। अब इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक OTG केबल चाहिए और एक आपका जो डाटा केबल चाहिए। इन दोनों को लगा के हम एज ए पावर बैंक बना के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये MI से मेरे को माइक्रोमैक्स का चार्ज करना है और मैंने इसको चार्ज किया और 60% थी, अब देखो ये 61% हो गई। आपका जो मोबाइल है वो फास्ट चार्ज होएगा, एज ए आपका जो ये है पावर बैंक एकदम फास्ट, वो बहुत फास्ट चार्ज करेगा। आप ऐसे किसी भी मोबाइल में कर सकते हो, कोई सा मोबाइल कोई से भी चार्ज कर सकते हो। थैंक यू।